केनगर थाना क्षेत्र के आदमपुर चुनापुर वार्ड नंबर 7 में स्थित माता मंदिर में विगत रात्रि कुछ चोरों ने मंदिर में घुसकर रखे दान पेटी के सारे रुपए चुरा लिए। सुबह जब मंदिर के पुजारी अजोदी परिहर ने मंदिर की साफ सफाई के लिए मंदिर पहुंचे तो वो मंदिर का ताला टूटा देखकर अकबक्का हो गए। अजोदी परिहर ने तुरंत केनगर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर केनगर थाना प्रभारी विकास कुमार आजाद एवं अशोक कुमार झा ने घटना की जांच में जुट गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आग की तरफ फैल गई खबर। मिली जानकारी के अनुसार एक सप्ताह के भीतर चोरों ने दो चोरी को अंजाम दिया है। इस मौके पर अजोदी परिहर, रंजीत कुमार झा, अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद चौधरी के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद थे। पूरा घटना को अंजाम दिया गया है, तो किस तरह से घटना हुआ है और इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? आज सुबह हमको सूचना मिला मंदिर में चोरी हुआ है, यहाँ का सारा सामान, दान पेटी, मैया का जेवर जेवरात सब उठा के ले गया। सूचना मिलने पर हम चार पेटी में सूचना मिलने पर हम यहाँ आए और इस घटना का हम कड़ी निंदा करते हैं। यह हम सभी का धरोहर है, हम लोगों का आस्था का केंद्र है। हम पूर्णिया प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना में स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या परिचय है? प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू के निकट। मंदिर में चोरी हो गई है, मंदिर में चोरी हो गई है। ये बच्चा है, महिला है। रात में मेरा मेरे पड़ोस में एक आदमी मर गया था जी। मंदिर में मेरा लड़का सोता है, दिवालिया का खेत सोता है। रात में एक आदमी मर गया हमारे पड़ोस में, मेरा लड़का चला गया घर। सुबह में जब जैसे मंदिर आता है, देखता है यहाँ मंदिर का गेट का ताला कटा हुआ, टूटा हुआ। बाहर में एक दान पेटी था, वो नहीं था। अंदर जब देखता है वहाँ भी छोटा छोटा डिब्बी सब था, मैंने दान पेटी वाला वो सब टूटा हुआ था। एक पलंग है माँ का सोने वाला, उसमें बॉक्स है जिसमें कि चूड़ी वगैरह रखा है, वो भी खुला हुआ देखा। पूरे जब देख लिया सब जगह तब खबर दिया, वहाँ से आए पूरा चीज देखे। धीरे धीरे गाँव वाले को भी मालूम हो गई, सब गाँव वाले सब भी आ गए। थाना प्रभारी महोदय भी अब पहुँच गए हैं यहाँ पर, तो सब वही सब देख रहे हैं यहाँ पर। कितना का चोरी हुआ है? लगभग लॉकडाउन में तो मंदिर सब बंद ही था जी। मेरे अंदाज से, अनुभव से 5,000 या 7,000 के आसपास में ये दान पेटी से निकला होगा। सिर्फ कैश चोरी हुआ या और कुछ चोरी? जी नहीं, और कोई चीज चोरी नहीं। कैश चोरी जी? तकरीबन कितने बजे रात में चोरी हुई? कैमरा के मुताबिक से पता चल रहा है कि 1 बजे के बाद। कैमरा बारे में बोले तो मैं बोल रहा हूँ जी, कुछ मना कर। आप इसकी जानकारी केनगर थाना पुलिस को दिए थे? जी दे दिए हैं, वो लोग आ भी गए हैं जी, वो लोग भी देख लिए हैं। क्या आश्वासन मिला थाना अध्यक्ष की तरफ से? क्या आश्वासन मिला थाना अध्यक्ष की तरफ से? देख ही रहे हैं, सब कुछ बना कर रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर दो घटना हुई है चोरी की जी। और आदमपुर में हुई है जी, वो एक तो जो हुई है घटना वो मेरे पड़ोस में है। क्या इसमें पुलिस छानबीन नहीं कर रही है अभी तक? तो वो तो इससे की बात है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अयोध्या प्रसाद परिहार। कहाँ के हैं आप? माता स्थान आदमपुर की पुजारी है, मेरा घर आदमपुर हुआ जी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम परिचय हुआ सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, पूर्व मुखिया वर्तमान सरपंचपति। मेरा घर गणेशपुर, मैं गणेशपुर पंचायत के नागरिक हूँ। इस मंदिर स्थान से हम लोग का बहुत, हमारा नहीं पूरे विश्व के आदमी के कोई ऐसा प्रांत नहीं हुआ जिस प्रांत के आदमी इससे आस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। और हर आदमी का मनोकामना यहाँ मैया के दरबार में पूरा होता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत कष्ट की बात है, खेद की बात है कि इस मंदिर में आके इस तरह का घटना, जिसमें मोटा मोटी हमको लगता है कि 7 से 8-10 लड़का है, वह भी लड़का कोई दूर की नहीं है, वो हमारे जिला के ही लड़का है,
पड़ोस के ही लड़का है जो दिन में रेकिंग करके गया है, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि दान पेटी में पैसा दे रहे हैं, और मैया का दरबार में जितना भी मैया का चढ़ा हुआ जेवर है वो एक भी जेवर नहीं छुए हैं। उनके दिमाग में था कि नाग महारानी जो है वो सोना चांदी का है, उसको लेके चले गए हैं। मोटा मोटी 12 से 14 गो पेटी तोड़े हैं, जो 2 पेटी 5 4 पेटी उठा के लेके चले गए बाहर, और उस पेटी में क्या पैसा होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। इस लॉकडाउन में ऐसे भी मंदिर का प्रांगण बंद था, और बहुत खेत की बात है, प्रशासन तो मेरा जैसे 5 बजे सुबह में मंदिर से खबर हुआ, 5 बजे 6 में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और हम लोग इन्फॉर्म किए थे नगर थाना मेरे प्रभारी और उनके साथ में 4 सहयोगी सब हाजिर हैं। आप लोगों को कब जानकारी मिला? 5 बजे सुबह में जैसे मंदिर में प्रांगण में पूजागिरी साहब आए तुरंत कॉल की कि मुखिया जी ये जो आभूषण के बारे में बताए, ये आभूषण लगभग कितने का होंगे? नहीं आकलन नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि वह अंदर में क्या था, कौन आदमी क्या डाल दिया, मैं क्या बता सकता हूँ। वह तो झूठ बोलना हुआ कि भाई मंदिर में कोई प्रांगण प्लास्टिक में लपेट के क्या गिरा दिया, वो तो अंदर की चीज़ है, मेरी बस की चीज़ नहीं कि हम आकलन बता सकते हैं कि 5,000 50,000 1 लाख तो कुछ नहीं बता सकते। एक हफ्ता के अंदर आपके आदमपुर में 2 बार चोरी हो चुकी है, पहले आज की चोरी हुई, और यह बात भ्रमवाक है कि अगला चोरी जो हुआ है उसमें घर बै का कुछ न कुछ कहीं न कहीं थोड़ा सा मूर्खता है, जो कि वह चोर यह बात जान रहा है कि इसी रूम में इसी घर में इसी अनवारी में सामान रखा हुआ है जेवरात बच्ची के लिए नकली के लिए, तो इसमें कहीं न कहीं बहुत करीबी उसका आदमी होगा जो बगल में पड़ोसी में होगा, जो उनका डायरेक्ट हॉटलाइन उसका उसी जगह पर अटैक किया, ये बात आपको मानना होगा। सरकार से क्या मांग करना है प्रशासन? सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि प्रशासन को जितना शक्ति हो, यह आस्था है, आस्था एक नहीं होता है, जातिवाद नहीं होता है, वही मंदिर हो मस्जिद हो हर प्रांगण में यह घटना कर सकता है, आज कर सकता है यहाँ तो कल कहीं तो यह होना चाहिए, और प्रशासन को हर तरफ से हम लोग साथ है प्रशासन के, और आप लोग ही साथ दीजिए, सब आदमी साथ दे के इस चोर को या क्रिमिनल को निकालना चाहिए, और उसको वह सजा चाहिए जो सजा मालिक को कोई, हम माँ से पुकार करते हैं भैया आप में शक्ति है तो उसको वैसा दंडित कीजिए कि वह धरती पर। आपको क्या लग रहा है इसका हो पाएगा? 100% मेरा दावा है कि अगर माता माँ के मंदिर पर नहीं हुआ तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा माता माँ के मंदिर में प्रांगण में जल नहीं डालूंगा, मेरा यह दावा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, वो मुल्तान में रहेगा मैया उसको खोद के लाएगा, हम लोग प्रशासन खोद के लाएगा। इसी बात के साथ बोलते माता माइकी मुल्तान से उसको निकाल के हम लोग लाए। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।